अच्छा, इसी तरह हमारे पास जिस तरह डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है, डायरेक्शन का फ़र्क है, इसी तरह हमारे पास स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दें तो वो बन जाती है वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इक्वल्स टू स्पीड है, और स्पीड ऑल्सो कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड भी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, इसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो वो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इस वाली साइड का ग्रेडियंट पॉजिटिव, इस वाली साइड का ग्रेडियंट नेगेटिव, यानी यहाँ पे हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है तो फिर आगे चलें। सर, वेलोसिटी क्या होता है? हाँ देखो मनाल, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्टेंस में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है, इंक्रीज हो रहा होता है सिर्फ, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कम नहीं होता। इसी तरह स्पीड और जी, वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज। क्योंकि आप जी कहीं भी मूव कर रहे हो वो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है अगर आप उसको पॉजिटिव ले रहे हो, लेकिन जब आप डायरेक्शन इन्वॉल्व कर देते हो तो दैट बिकम्स योर वेलोसिटी विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं, जब डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही, हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव में खेल रहे हैं तो वो हमारा स्पीड होगा। इसी तरह हम सिर्फ पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दें और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई तो डिस्प्लेसमेंट इज माई वैक्टर क्वान्टिटी और डिस्टेंस इज माई स्केलर क्वान्टिटी। ठीक है, सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी आप उसको उसके वर्ड लफ्जी मायनों में अगर जाओ तो दोनों सेम ही है, डिस्टेंस भी आप जितना कवर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी जो आप कवर कर रहे हो, वेलोसिटी स्पीड दोनों को आप सेम ही बोल सकते हो, लेकिन बस ये फ़र्क है कि डायरेक्शन इन्वॉल्व है एक में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ओके निकालेंगे तो स्पीड आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सर, एक चीज मुझे याद है, ओ लेवल्स में हमने की थी कि जब अगर स्पीड टाइम पर ग्राफ है तो लाइन के जो नीचे आता था वो डिस्टेंस, जो एरिया लाइन के नीचे है तो, और वो डिस्टेंस होता है, तो वो ये चीज, यही चीज हाँ, है या वही फिर और वही चीजें वही वो? वही अभी आऊँगा, वही ठीक अभी है, आ रहा हूँ। अच्छा, अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की और बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम और बात करें तो यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ली थी कि ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे आया और फिर सी से दोबारा 0 पे आया। अगर ये दोबारा ओ से भी पीछे जाना शुरू कर दे तो अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, अब नेगेटिव हो रही है। ठीक है, ओ से ओ पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गए, अब मैं दोबारा उल्टी तरफ जा रहा हूँ ना, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ दोबारा, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है जहाँ मैं से मैंने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, अभी कंफ्यूज नहीं करो, अभी डिस्प्लेसमेंट पर ही रहो, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से घूमा तो अब मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना शुरू हो गई, यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, अब मैं सेम नेगेटिव डायरेक्शन में पीछे जा रहा हूँ तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, नेगेटिव शुरू हो गई। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो किस तरह से बनेगा, ये मैं गया आगे ए से बी तक, उसके बाद मैं गया पीछे, दोबारा आ गया ओ पे, और उसके बाद मैं और पीछे जा रहा पीछे हूँ तो ये मेरा ग्राफ और नीचे चला जाएगा, वेयर माई डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, मैं और नीचे जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाई नेगेटिव है तो मेरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नेगेटिव हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नेगेटिव में भी चला जाता है लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्वियसली नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही चल रहे हैं, अभी हम स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ पे नहीं आए। अच्छा, और अब इसका कोई क्वेश्चन, एक ग्राफ बनाते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं।
और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, बताओ क्या हो रहा है ताहिर, बताओ। पहले मुझे ये तीन फेजेस हैं इसके। हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक फेज सब अलग अलग बताएंगे, एक फेज ए, फेज बी, एक फेज सी और फेज डी और फेज ई। चलो फेज ए बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक, पाँच मिनट आगे गई, यहाँ पे आ गई, 5 मीटर आगे गई, यहाँ पे आ गई। बी पे क्या हो रहा है बताओ, ऐसा वाला रेस्ट। बी पे आ गए भाई रेस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे हम कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए आगे चले गए और बी पे आ गए रेस्ट पे। उसके बाद क्या हो रहा है मनाल, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। सो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 15 सेकंड्स पे जीरो हो गई। 15 सेकंड्स पे आके इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। और ये बताओ आप इसके बाद क्या हो रहा है जुनाब, डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, सॉरी ये फेज डी क्या है, हेलो सर, इसको वीडियो नहीं शो हो रही। सर आप इस ग्राफ को दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ एक मिनट मैं करता हूँ। क्या वीडियो शो नहीं हो रही, क्यों पता नहीं, बाकी सबको तो हो रही है, तो कब से नहीं हो रही, स्टार्ट से नहीं, जब से सेकंड वाले स्टार्ट हुई है। इसको बोलो रीजॉइन कर ले। अच्छा देखो हो क्या रहा है अरसल, पहले क्या हुआ फेज वन में हमने स्टार्ट किया जीरो से, हमने 5 सेकंड्स तक कांस्टेंट स्पीड में मूव करते हुए हम चले गए 5 मीटर्स तक आगे, ठीक है। उसके बाद 5 to 10 सेकंड्स हम क्या हैं, रेस्ट पे हैं, क्योंकि डिस्टेंस मूव नहीं हो रहा, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 10 सेकंड से 15 सेकंड्स में क्या हो रहा है, इसने यू टर्न मारा है और दोबारा ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो 15 सेकंड पे क्या हुआ, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब 15 से 20 सेकंड्स में क्या हो रहा है, ये उसी डायरेक्शन में नेगेटिव मूव करना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब आ रही है इसकी वीडियो जनाब। जी सर आ रही है अब। अच्छा तो आप मुझे बताओ कि ये 15 से 20 सेकंड्स में क्या हो रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी है, वापस जा अपनी मेन पोजीशन से वापस जा रहा है। 15 से 20 सेकंड्स में वापस नहीं जा रहा, 15 से 20 15 सेकंड पे ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया है, 15 से 20 में ये दोबारा पीछे जा रहा है। देखो जीरो से स्टार्ट किया ओरिजिन से, यस सर, वो अपनी मेन पोजीशन से पीछे जा रहा है। हां पीछे जा रहा है और 5 सेकंड्स में ये ए पे पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद 5 से 10 सेकंड पे ये रेस्ट पे था, उसके बाद यहाँ पे 10 सेकंड हो गए। उसके बाद ये दोबारा यू टर्न मार रहा है और ये दोबारा यहाँ आ गया अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, कितने सेकंड्स में, 15 सेकंड्स हो गए। अब 15 से 20 सेकंड्स में ये दोबारा पीछे गया है, ठीक है, ये दोबारा थोड़ा सा पीछे गया है नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद 20 से 25 सेकंड्स में क्या हो रहा है बताओ, 20 से 25 सेकंड्स में क्या हो रहा है सर, वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, वापस से अपनी पोजीशन में आ रहा है, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, दोबारा इसने यू टर्न मारा और ये दोबारा यहाँ पे आ गया इन 5 सेकंड्स, 25 सेकंड्स में ये दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये पूरे इस मूवमेंट का, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है इन द एंड,
इन द एंड इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जीरो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया ना भाई, 25 सेकंड के बाद इतना घूम घूम के दोबारा अपनी जगह पे आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, इसका डिस्टेंस कितना है? सब एक मिनट, ये मैं बोलता हूँ कि दोबारा पीछे गया है 5 मीटर, मुझे इसका डिस्टेंस एरिया अंडर ग्राफ होगा? नहीं, हम डिस्टेंस, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ नहीं निकालते। 20 मीटर। सब बताओ आंसर अपना, टोटल डिस्टेंस क्या? 20 है, 20 और टाइम बताओ सर। 20 मीटर सर। 20 है। पांच मीटर आगे गया, रेस्ट हुआ, फिर 5 मीटर पीछे गया, 10 मीटर जो गए, फिर 5 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर 5 मीटर आगे गया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे इसका 20 आ गया और टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी ऑब्वियसली जीरो है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर 100%। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। या बल्कि काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निकालें, सॉल्व तो करें। नहीं, चलो क्वेश्चन टू देखो, एक मैं कराता हूँ फिर आप लोग करना, क्वेश्चन टू मैं कराता हूँ। अच्छा, ये बोल रहा है, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम अ टाउन ओ, इट ट्रेवल्स 200 मीटर्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20, इट देन स्टॉप्स फॉर 5 सेकंड्स बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये उसी जो हमने एग्जाम्पल करी ना, इसी ने उसको उसी को वर्डिंग में बोल दिया और वैल्यूज लगा दी। अब देखो हो क्या रहा है, 200 मीटर ट्रेवल किया है इसने ओ से और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर मैं इसका डायग्राफ बनाऊंगा, इसने स्टार्टिंग पॉइंट से लिया, शुरू करना चलना शुरू किया 20 की स्पीड से चला और ये 200 मीटर्स पे आ गया, कितनी देर में ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये अगर मुझे नहीं पता तो ये मैं कैसे पता करूंगा? मेरे पास क्या है, स्पीड है यानी ग्रेडियंट है मेरे पास, राइट? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है ना, तो मुझे वेलोसिटी पता है यानी ग्रेडियंट पता है, तो ग्रेडियंट मेरे पास है 20। ठीक है, मेरे पास ग्रेडियंट है 20 यानी चेंज इन y फ्रॉम चेंज इन x क्या होगा, चेंज इन y कितना है 200, चेंज इन x मुझे नहीं पता इज इक्वल्स टू क्या है 20, तो चेंज इन x कितना आया, टाइम कितना आया 10 आया, यानी ये 10 सेकंड्स में 200 मीटर्स दूर हो गया अपने टाउन से। ये वाली बात समझ आई सबको कि हमें वेलोसिटी पता थी, हमने उससे टाइम निकाला। ठीक है, और टाइम निकाले बगैर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं होगा। देखो स्ट्रेट लाइंस है ना, स्ट्रेट लाइंस में तो कोई मसला नहीं है, स्केलिंग अपनी मर्जी से करो, लेकिन ये वैल्यूज देनी पड़ेगी, ये टाइम की वैल्यू अगर नहीं दोगे तो मार्क कटेगा। उसने सर्कल नहीं बन रहा ना, स्ट्रेट लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन में तो लेकिन उसमें भी सर्कल आपका उससे बनता है, कंपास से बनता है, बी3 में भी सर्कल जा कंपास से बनता है। एलएन वगैरह तो ऐसे बनाते हैं, कर्व्स तो आप ऐसे ही बनाते हो रैंडम ही, ये तो स्ट्रेट लाइन से तो सिंपल ही बनेंगी ना, स्केल रूलर से बना लो। अच्छा, तो इसका हमें 10 सेकंड्स हमने निकाल लिया कि 10 सेकंड्स में ये 200 मीटर इसने ट्रेवल कर लिया। उसके बाद इसने 5 सेकंड तक रेस्ट किया है। ठीक है, 5 सेकंड तक रुका, नहीं हाँ सही है, इतने 5 सेकंड तक रुका रहा, तो 5 सेकंड तक ये स्टॉप रहा, तो मैं पहुंच गया 15 सेकंड्स में, तो ये मैंने बना दी स्ट्रेट लाइन कि ये 5 सेकंड तक अपनी जगह पे ये 200 मीटर बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 8 सेकेंड्स। अब 5 सेकेंड बाद इसने अपने दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओरिजिन पे दोबारा चलना स्टार्ट किया और 8 सेकेंड्स में, फर्दर 8 सेकेंड्स होंगे तो ये 23 सेकेंड्स होंगे, फर्दर 8 सेकेंड्स में ये दोबारा अपने टाउन पे, अपने ओरिजिन पे
आ गया तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दोबारा से बना दी, ठीक है। शुरू के 10 सेकंड में ये 200 की डिस्टेंस पे आ गया, 5 सेकंड तक रुका, उसके बाद 5 सेकंड के बाद फर्दर 8 सेकंड में ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ये हमने बना दिया इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पार्ट बी में मुझे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑन द रिटर्न सेक्शन। रिटर्न सेक्शन कौन सा है भाई? ये वाला सेक्शन है रिटर्न। इस पॉइंट पे मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे सर? हम जस्ट जस्ट हाँ मनाल बोलो सर, इसकी स्लोप लेंगे, इसका जो ग्रेडियंट निकालेंगे ना। हाँ ग्रेडियंट निकालेंगे भाई, वेलोसिटी मांग रहा है तो ग्रेडियंट निकालना है। सिंपल कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? यहाँ पे है 15 और 200 और यहाँ पे है 23 और 0। 23 0 और 15 200, भाई ग्रेडियंट निकाल लो। 200 माइनस क्या है ये 0 और ये हो जाएगा 15 माइनस 23। 200 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 25 ऑब्वियसली नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ रहा है तो ग्रेडियंट नेगेटिव है और इसकी वेलोसिटी -25। सर सो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट माइनस में जा सकती है लेकिन स्पीड और डिस्टेंस माइनस में नहीं जा सकती। स्पीड और डिस्टेंस माइनस में नहीं जाता। और अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं ना, वेलोसिटी हम लिख रहे हैं तो हम वेलोसिटी के साथ माइनस लगाओगे, स्पीड के साथ नहीं लगाओगे। ऐसे अगर लिखते हैं तो माइनस ब्रैकेट लिख देते हैं। भाई वेलोसिटी लिख रहे हो तुम, पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव जा रही है नेगेटिव जा रही है? लिखते नहीं है, लिखते हैं माइनस ब्रैकेट में डाल देते हैं। इस तरीके से सर बोलेंगे होता है कि शो करें वेलोसिटी जो होता है कि डायरेक्ट से नहीं बोल रहा हूँ, तुम पॉजिटिव जा रहे हो और नेगेटिव जा रहे हो, दोनों में तुम्हारी वेलोसिटी 25 है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लगाओगे ना माइनस, जरूरी नहीं होता था वो कि अच्छा वेलोसिटी इक्वल्स टू 25 आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? हम तो डालते करते थे माइनस ब्रैकेट में डाल के डालते करते। कौन से ब्रैकेट में? वो छोटा सा बस ब्रैकेट बनाया तो वही तो है, माइनस ही तो लगा। देखो तुम खुद लॉजिकली बात करो ना, पॉजिटिव चार्ज माइनस लगाएं, स्पीड क्योंकि नेगेटिव नहीं होती, अगर हम इसलिए स्पीड बोलेंगे तो स्पीड इसकी 25 ही है। सुनो स्पीड इसकी 25 ही है क्योंकि स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, स्पीड पॉजिटिव ही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन जब हम वेलोसिटी बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी -25 है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। बात समझ आई सबको? इसने मुझे यहाँ पे वेलोसिटी मांगी थी इसलिए साइन के साथ देंगे। अगर स्पीड बोलेगा तो स्पीड हम हमेशा पॉजिटिव में देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब अगर वो मुझे डिस्टेंस मांगेगा तो मैं उसको डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेशन करूँगा और डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है नेगेटिव ऑब्वियसली। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, डिस्टेंस अगर पूछता तो क्या बोलते हैं distance. बताओ डिस्टेंस क्या होगा इसका? साहब जी क्वेश्चन क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है इसका, डिस्प्लेस डिस्टेंस क्या होगा इस ट्रेवल का? 400 200 आगे गया, 200 पीछे गया, 400 इसका डिस्टेंस है और 0 इसकी डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी इसकी जाते हुए 20 है, वापसी में -25 है और स्पीड इसकी जाते हुए 20 है और वापसी में 25 है, ठीक है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, सही है भाई? क्लियर है सबको ये बात जी? इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर दो जल्दी से। क्लास के बीच में तो बात नहीं समझ।
पता नहीं, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, अफोर्ड कर रहे हैं। हाँ, हॉल्ट का मतलब है दोबारा रुक गए। नहीं, ओरिजिन पे नहीं आई, इट देन कंटिन्यूज ऑन इट्स जर्नी, चल रही है और आगे जा रही, और आगे जाके रुक गई। हॉल्ट का मतलब आगे जाके रुक गई, वरना वो बोलता कि स्टार्टिंग पॉइंट। हां, वरना वो बोलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे उसने ऊपर बोला बिफोर रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, बोल सकते हैं। वैसे मैकेनिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की ही बात करते हैं, डिस्टेंस और उसकी नहीं करते। बस मैंने ऐसे किया, क्या मैं सारा काम कॉपी करूँगा, सब कॉपी करूँगा, नहीं कर पाएंगे। आता है यहाँ के पढ़ा लो। नहीं नहीं हाँ सही है, पहले आ गई है 10 seconds, इसके बाद ठीक है, कंटिन्यू फॉर 0.6 seconds, ठीक है। ये 10 कैसा है, दोबारा 20 के बाद दोबारा 10 लिख दिया तुमने, क्या 20 के बाद दोबारा 10, वो 30 है ना, मतलब 10 सेकंड्स और आगे जा रहा था जिसके। हाँ, 30 है, आगे कितना है टाइम वो नहीं बताओगे। ये 6 सेकंड के नहीं पता। अच्छा, 11 सही, 6 सेकंड्स से जा रहा है, 60 हो ठीक है। 10 11 सही। अब अपनी वर्किंग दिखाओ मुझे, इस पे कैसे दिखाएं, पिक्चर भेज देंगे। ये एक है यहाँ इसी पर, ये लड़के आप भी कभी पढ़ा है, वो लड़की का तो छोड़ने वाली भी नहीं आता, दूसरे सीट में बैठ जाए। भाई वर्किंग दिखाओ अपनी जल्दी, क्या ग्राफ बनाया है। मुझे एम1 और एसक्यू पढ़ाने में मजा आता है। ये तो बेसिक है, बेसिक है। मनाल गलती ये करी है, देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने कहीं पे ये वर्ड यूज किया कि ये दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आया है। तो सर स्टार्टिंग पॉइंट पे तो मैं लेकर भी नहीं आई उसको। तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे लाई हो, उससे दोबारा पीछे ले गई, और तो उस पे ये लिखा है कि माय, देखो ये वर्ड पढ़ो इसका, एंड देन कंटिन्यूज ऑन इट्स जर्नी, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में ये आगे जा रहा है, कमिंग टू अ हॉल्ट, यानी 10 सेकंड बाद अच्छा, रुक गया, आगे जा रहा है। अच्छा, आगे ही जा रहा है, अपनी ही जर्नी पे कंटिन्यू कर रहा है। मैं वही तुम्हें समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कि इसने क्वेश्चन में ये वर्ड, देखो पिछले क्वेश्चन में इसने वर्ड यूज किया था कि रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम इसको यहाँ पे पीछे ले, यहाँ पे उसने ये बात कहीं भी नहीं बोली कि ये दोबारा अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आया है, इसलिए हम अपने ग्राफ को नीचे नहीं ले जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा कि ये पहले आगे गया 5 सेकंड या जितने भी, उसके बाद थोड़ी देर रुका, उसके बाद आगे गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज बिल्कुल सही निकालिए, ये 5 meters यहाँ पे ट्रेवल होगा इसका, उसके बाद 0.6 स्पीड है, तो ये 11 पे पहुँच जाएगा,
10, 20, 30. हाँ अब सही है. जुनाब अरसल क्लियर है ये वाला ग्राफ? जी सर. अरसल ये सर क्लियर है. ठीक है. अच्छा एक हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ये वाले क्वेश्चंस में भेजूंगा भाई, ये वाले क्वेश्चंस करना, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे क्योंकि ये बेसिक्स क्लियर होंगी तभी आगे की चीज़ें समझ आएंगी. तो ये वाले क्वेश्चंस करना ज़रूरी है. अच्छा हम मैं इसका एक वेलोसिटी ग्राफ कराता हूँ फिर आप लोग ये कर लेना. अच्छा अ बेसबॉल, क्वेश्चन नंबर 2, अ बेसबॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20. ठीक है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20, बल्कि हमने स्पीड टाइम वेलोसिटी करे कहा है, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस ही कहाँ करें. अच्छा भाई पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ में अब अगर मैं ये डेट बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, अच्छा वाई एक्सिस पे मैं स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ऑब्वियसली बार बार नहीं लिखूंगा. यहाँ पे मेरी अगर स्पीड है लेट्स से 8 और मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, कॉन्स्टेंट स्पीड है, कॉन्स्टेंट स्पीड है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है. अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो मैं इसको बोलता कि ये रेस्ट पे क्योंकि डिस्टेंस नहीं बढ़ा, लेकिन ये क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है इसलिए द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आएगी नहीं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगी, कॉन्स्टेंट स्पीड आएगी. आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलो, अभी एक्सेलरेशन पे नहीं जाओ, वो समझाऊंगा. स्ट्रेट लाइन है तो ये मूव हो रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड पे, ठीक है, स्पीड इसकी कांस्टेंट है. ठीक है. अच्छा अब अगर मैं बना रहा हूँ, अच्छा मुझे बताओ इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, अरसल बताओ इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, मतलब वैल्यू बताओ. अनडिफाइंड है? नहीं अनडिफाइंड तो नहीं है, अनडिफाइंड इस लाइन की ग्रेडियंट होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन का ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है. इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो. इस लाइन का ग्रेडियंट जीरो आएगा. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, स्पीड. स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है हमारे पास एक्सेलरेशन. ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए जाना भाई. स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन. ग्रेडियंट जीरो है मतलब इस पॉइंट पे मेरी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है. यानी ऑब्वियस सी बात है अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज ही नहीं हो रही, तो आपकी एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है ये बात समझ आ गई सबको कि स्ट्रेट लाइन अगर बनी हुई है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड एंड जीरो एक्सेलरेशन. अब ये लाइन है, अब क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है 5, 10, 15, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है 2, 4, 6, स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है. देखो इस वाली लाइन का ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई वैल्यू है, जीरो नहीं है, कोई वैल्यू है लेकिन कांस्टेंट है. तो इस लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो मतलब इसकी इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ग्रेडियंट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट ही होता है. हाँ ना स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट है ना, कर्व नहीं है ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कर्व नहीं बनाया मैंने, स्ट्रेट लाइन बनाई है. स्ट्रेट लाइन तो ये भी थी लेकिन इसका ग्रेडियंट जीरो था.
इस लाइन में ग्रेडियंट कांस्टेंट है सर, लेकिन था तो कांस्टेंट ही ना, पूरी लाइन पे जीरो ग्रेडियंट था। हां हां हां, कांस्टेंट वैल्यू, कोई नंबर इंटीजर वैल्यू होता बस, कोई वैल्यू है कुछ भी, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, इसका ग्रेडियंट कुछ भी है, एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है, हर पॉइंट पे सेम है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी इंक्रीज इन स्पीड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से, तो अगर इस तरह की लाइन है मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, स्पीड इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, पांच सेकंड में क्या हो रहा है, शुरू के पांच सेकंड में क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट, स्पीड इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, शुरू के पांच सेकंड में हो रही है स्पीड इंक्रीज कांस्टेंट रेट से, आपको जाना है तो चलेगा, मैं निकल रहा हूँ बस थोड़ी देर, जी जी, स्पीड इंक्रीज यूनिफॉर्मली, अब उसके बाद क्या हो रहा है, पांच से दस सेकंड में ये क्या कर रहे हैं, पांच से दस सेकंड में ये स्पीड टाइम ग्राफ बता रहा है, सेम स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, ये 5 मीटर्स पर सेकंड है, कांस्टेंट स्पीड है, 5 से 10 सेकंड्स में ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और 10 सेकंड पे आके क्या हो गया, ये अगर मैं ये बना देता हूँ, रुक कर अब बताओ, इसको बोलते हैं सर, ये वेलोसिटी का, वेलोसिटी और वो नेगेटिव कैसे हुआ, पे नेगेटिव कहाँ हुआ है, जीरो पे चला गया ना, जीरो कर दिया मैंने, रोक दिए गाड़ी, जो स्ट्रेट आपने नीचे लगाई है, कार रेस्ट पे आ गई, कार रेस्ट पे आ गई ना, रेस्ट पे आ गई, यहाँ पे आके इसको ये नहीं बनाओ, यहाँ पे आके रोक दे इसको बस, बल्कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रोक सकते, हमें इसको जीरो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आके ये रुक गया, अच्छा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आप एक सेकंड में आगे नहीं रोक सकते, ठीक है, क्या हुआ, पांच से दस सेकंड तक ये कॉन्स्टेंट स्पीड तक ना, उसके बाद ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसकी, वेलोसिटी टाइम, अच्छा इस पहले उसकी बात करें, अगर मैं बोलूं, अच्छा मनाल देखो यहाँ पे मैं नीचे ले जाने की लॉजिक, वो तुम सही बोल रही हो कि हम इसको नेगेटिव में नहीं ले जा सकते, लेकिन अगर मुझे बोलना है कि यहाँ पे आके रुक गया है, तो मैं इसको ऐसे शो कर दूंगा कि बस यहाँ पे आके ये रुक गया, अगर ये लाइन नहीं बनाओगी तो भी सही है, कोई मसला नहीं है, ये हम बस इसलिए बना रहे हैं कि ये बस की स्पीड जीरो हो गई, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर निकालना होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो सर जो स्पीड की जो ग्राफ की लाइन है उससे जो नीचे वाला एरिया होगा वो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमें निकालना है तो वो होता है एरिया अंडर द ग्राफ स्पीड, ठीक है, हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, रूल नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
हाँ वो भी निकाल सकते हो, लेकिन ट्रेपेज़ियम बन रहा है ना उसी का, ट्रेपेज़ियम बन रहा है तो एक शेप बन रहा है तो उसी का लगा लो। 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या है 5 और 10, ये क्या 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150 डिवाइड बाय 2 75 मीटर्स उसने ट्रेवल करा है टोटल, सही है। अच्छा इसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा और बाकी है। इसका क्वेश्चन जो है हाँ स्पीड टाइम ग्राफ तो कर सकते हैं ना, इसका इसके क्वेश्चन मैं हाँ वही क्वेश्चन में भेज दूंगा, उसको देख लेना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के सारे कर लेना, ठीक है 10 क्वेश्चन हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर ट्राई करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई अगर कन्फ्यूजन है तो अभी इसको डिस्कस कर लो। समझ नहीं लगी आपने क्या किया, क्या क्या दोबारा बोलो, आवाज समझ नहीं आई तुम्हारी। जो आपने डिस्टेंस निकाला है लास्ट ग्राफ का, हाँ तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम निकालना है ना, जो आपने लास्ट ग्राफ का डिस्टेंस निकाला है जो स्पीड टाइम ग्राफ था तो उसको, अच्छा सही है, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइन 75 आ गया, ठीक है ऑफ करें।